अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर कमेंट्स में ये बात लिखी हुई होती है कि स्टूडेंट्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सही तरह सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो मैं आज इसका फॉर्मेट आपको बताऊँगी, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है स्प्रिंग 2024 अटेम्प्ट का, इसे रीड कर लेते हैं। पेंटागॉन डीलर्स PD is a partnership firm engaged in the purchase and sale of automobiles. Saad, Moona and Zain, partners in PD, share profit in equal proportion. ऐसे अब तक जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उसे ये लग रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि आप आगे देखेंगे आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए ताकि आप सही लाभ सही प्रोविजन और सही लाभ चूज कर सकें। तो इसमें नेक्स्ट है, और कार रेसिंग चैम्पियनशिप इज़ प्लान टू बी हेल्ड इन कराची ऑन 31 मार्च 2024। ऑन 1 जनवरी 2024 PD एंटर्ड इन टू मार्केटिंग कोलेबोरेशन विद द कार रेसर स्पेयर राइडर्स फॉर ₹2 मिलियन। अंडर द कोलेबोरेशन PD आल्सो प्रोमिस टू डिलीवर अ ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार टू SR इफ इट विंस द फाइनल ऑफ द चैम्पियनशिप। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा उसे इसमें एक चीज़ वादा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है PD और SR के दरमियान, जिसके मुताबिक अगर SR इस चैम्पियनशिप का फाइनल जीत जाती है तो PD उसको एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार मतलब एज इंसेंटिव देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाउएवर ऑन 1 मार्च 2024 Zain कैंसल द स्पोर्ट्स कार इंसेंटिव ऑन PD's बिहाफ एंड द कार प्राइस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। यानी अभी चैम्पियनशिप होनी थी 31 मार्च को और 1 मार्च को Zain ने PD के बिहाफ पर यह स्पोर्ट्स कार इंसेंटिव कैंसिल कर दिया। अब और वजह लिखी हुई है कि जब कार की प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई तो वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इवेल्युएट PD's पोजीशन एंड डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू SR इफ एनी। अब दो चीज़ें बतानी है कि PD की क्या पोजीशन है, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, और अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो SR के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अच्छा, तो अब आपने जो आंसर लिखना है किसी भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, उसमें आपने तीन हेडिंग्स देनी है। पहली हेडिंग है प्रोविजंस ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन में जो जो बातें होंगी उससे रिलेटेड जो आपने लॉ में जो जो पढ़ा है वो आप यहाँ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट cannot be cancelled, जो कि आपने पढ़ा है कि म्यूचुअल कंसेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट cannot be cancelled, भी cannot be changed, ठीक है। और दूसरी बात, आपने अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो तो इसमें जो जो कार रेसिंग की स्पोर्ट्स कार की गिफ्ट की बात हुई थी वो PD ने इस शर्त पर दी थी कि अगर SR फाइनल जीत जाता है तो वो PD उनको कार देगा, तो एक कॉन्टीजेंसी भी आ गई इसमें। तो हमने पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स कॉन्टीजेंसी जब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट हो, जैसे ये इस केस में अनसर्टेन इवेंट है उसका फाइनल जीतना, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। ओके, ये प्रोविजन ऑफ लॉ जो इस सिचुएशन से हमारे ध्यान में आते हैं हमें लिखें। दूसरी आपने हेडिंग देनी है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या बात हुई है। क्वेश्चन में उन्होंने PD और SR के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मार्केटिंग का, और उसमें एक कंटीजेंसी थी कि अगर PD एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार SR को देगा अगर SR फाइनल जीत जाती है तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ में हम लिखेंगे कि द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर, एक तरह से बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों पार्टी के दरमियान में, बिटवीन PD एंड
ऐसा अच्छा ये आपने शॉर्ट फॉर्म ज़रूर यूज़ किया करें अपने आंसर में हर हर एग्ज़ाम में, हर कैफ का जो भी एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे आपके एक तो टाइम भी बचेगा और आई क्या भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आप जो भी एक्रोनिम्स यूज़ हुए हैं शॉर्ट फॉर्म, वो आप अपने आंसर्स में वही यूज़ करें। अब फिर आपने बताने के दिस कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स कंटिजेंट इवेंट, फिर आपने जैसे बताया कि जैन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बगैर एस आर की मर्जी के, विदाउट एस आर कंसेंट। फिर आपने बताने के लिए दिस इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरी बात उन्होंने की कि हाँ उन्होंने कहा कि कार प्राइजेज एक्सपोनेंशियली यानी बहुत मल्टीप्लाई हो गए बढ़ गए जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, लेकिन ये इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ चंद सिचुएशन ऐसी हैं जैसे कि कोई जैसे वो इवेंट चैम्पियनशिप होती ही ना तो यह इवेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था, लेकिन इस तरह का कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज हुआ है वो इसमें इस सिचुएशन में नहीं पड़ जाती, जिसकी वजह से हम इसको इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। द रीज़न दैट कार प्राइसेस इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली cannot be a supervening impossibility. Therefore, the contract cannot be cancelled. ये ठीक ये भी हो गया। अब लास्ट जो आपने हेडिंग देनी है वो है कंक्लूजन की, जिसमें आपने जो भी रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में उसको कंक्लूड करना है। पहली बात आपको पता होता उन्होंने कहा था हमें पीडीएस की पोजीशन बताएं और एसआर के पास जो रेमेडीज़ हैं वो बताएं। तो पीडी हैज कैंसल्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट, without the consent of SR. Hence, the contract is still valid. और दूसरी बात remedies available to SR. तो SR if ज़ाहिर है अगर वो contingency थी तो अगर वो फाइनल जीतेगा तभी वो उसके पास फिर रेमेडी अवेलेबल होगी, वरना तो नहीं होगी। इफ इट विंस द फाइनल कैन क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्स को सफर करने पड़े और आल्सो स्पेशल डैमेजेस if those damages, ऐसे आपको पता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर वो डैमेजेस दोनों पार्टीज के इल्म में थे तो फिर ऐसा स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक और रेमेडी जो ऐसा उनके पास अवेलेबल है वो है कि एसआर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे जिस तरह पीडी ने किया और कंपनसेशन उससे ले लें। कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनसेशन वो चाहता है उस कंपनसेशन के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये था बिजनेस के केस स्टडी सॉल्व करने का फॉर्मेट।
आप भी पहले ख्याल रखना है कि किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, आपने अच्छी तरह से सिचुएशन समझनी है और अपने जहन में अपने जो भी आपने पढ़ा था उसको आपने रिकॉल करना है। और फिर आपने इस तरह की हेडिंग्स देनी है, प्रोविजंस ऑफ लॉ, जिसमें आपने जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उससे प्रोविजंस एज सच लिख देनी है। फिर आपने एप्लीकेशन ऑफ लॉ का पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने बताना है कि सिचुएशन में जो 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 सीनैरियो में जो जो चीज़ें फॉल कर रही हैं वो उनकी लॉ में क्या हैसियत है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने कंक्लूजन देना है, जो आपने लॉ अप्लाई किया तो उसके मुताबिक जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया कि पीडी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है। और जो दूसरे उनसे हमसे पूछा था एसआर के पास क्या रेमेडीज़ हैं, तो हमने वही बताया कि अगर एसआर फाइनल जीत जाता है तो उसको तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का पूरा राइट रखता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको इनसे मदद मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।